अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं एक क्रीम बनाने वाली हूँ, स्किन वाइटनिंग क्रीम, एंटी एजिंग से क्रीम। बहुत अच्छी काम आएगी आपकी स्किन के प्रॉब्लम को, और ये एंटी एजिंग का काम भी करेगी और रिंकल्स को हटाएगी, फाइन लाइंस को दूर करेगी। और ये क्रीम इस्तेमाल करने से रिंकल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइंस भी नहीं आएंगे। और 30 प्लस वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं और 20 प्लस वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्किन के ऊपर पिम्पल्स और फाइन लाइंस, रिंकल्स, डार्क स्पॉट और एक्नी सब 30 प्लस वालों को आते हैं और 25 के बाद भी आते हैं। उन स्किन वालों को ये एंटी एजिंग का काम भी करेगी और रिंकल्स, फाइन लाइंस आने नहीं देगी। इतनी अच्छी क्रीम है, आपको इस क्रीम के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी और इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी। आप ये इस्तेमाल करने के बाद आपकी फेस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होगी और स्किन वाइटनिंग भी होगी। ये केमिकल फ्री क्रीम है और इतना अच्छा होममेड क्रीम है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको इस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी मिलने के लिए और इसमें इंग्रेडिएंट क्या डाला है वो आप मिस ना करें, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। और आप क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले बीटरूट का इस्तेमाल करते हैं, बीटरूट लेना है, और उसके बाद आलू लेना है, ये पोटैटो है, आप एक सारा वाला ले सकते हैं या हाफ आलू आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा बीटरूट लिया है और एक हाफ ये पोटैटो ली हूँ। आप इसे मैं पूरा करके आपको इस्तेमाल करने का तरीका और इसे क्रीम बनाने का तरीका आपको पूरा बताऊंगी, आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप पहले बीटरूट को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। देखें, इसमें इतना अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी स्किन को, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को और स्किन की प्रॉब्लम को दूर हटाने के लिए इतना अच्छा है बीटरूट। आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स भी दूर होंगे, स्किन वाइटनिंग भी दूर होगी और ये बीटरूट आपके लिप्स को भी पिंकिश बनाएगा। आपको लिप्स के लिए चाहिए तो और एक वीडियो मैं बनाऊंगी, आप वीडियो देखना हो तो आप कमेंट में कीजिए, मैं ज़रूर आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। और आप ये बीटरूट को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है और फिर उसके बाद पोटैटो को ऐसे ही आप छिटले निकाल लेना है। और मैं इन दोनों को अच्छे से इनके छिटले निकाल ली हूँ और इसे मैं कद्दूकस करूँगी। और अब ऐसे ही छानी से आप कद्दूकस कर लीजिए, ऐसे आप कर सकते हैं आप, वरना आप काट कर भी ले सकते हैं। और देखें, आप देख सकते हैं, और मैं इसके छिटले निकालने के बाद कद्दूकस कर ली हूँ, ऐसे ही आप कर लेना है। अलग से एक बीटरूट और हाफ पोटैटो लेना है, आपको फुल लेना हो तो ले सकते हैं। मैं इसे 10 डेज के लिए मैं बनाती हूँ क्रीम को, और आप इसे 1 मंथ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। देखें, इसमें मिक्सी में आप इसे और आप इसे ऐसे ही मिक्सी जार में डालकर आप इसे पेस्ट कर लेना है। मैं इसे बनाकर आपको दिखा देती हूँ। देखें फ्रेंड्स, मैं इसका पेस्ट बनाकर लाई हूँ। आप इसे इसमें पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, अब पानी डालने से बीटरूट का असर नहीं रहता है। और ऐसे ही आप पेस्ट कर लेना है, उसके बाद आप छन्नी के सहायता से उसका जूस निकाल लेना है। जैसा मैं वीडियो में बताती हूँ वैसा ही आप इसका जूस निकाल लेना है। देखिए, इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी स्किन को इतनी वाइटनिंग बनाएगी और वो एंटी एजिंग्स का काम करेगी, रिंकल्स को, फाइन लाइंस को दूर करेगी, पिगमेंटेशन को दूर करेगी। और आपकी 30 की एज हो तो 20 की आप नज़र आएंगे, इतना यंग और यूथफुल बनाएगी, आपकी स्किन को वाइटनिंग करेगी। आप इसमें केमिकल नहीं है ना, इसलिए आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देगी। आप इसे ऐसे ही छन्नी के सहायता से आप इसका सारा जूस निकाल लीजिए। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखे कितना सारा जूस आया है इसमें, ऐसे ही आप निकाल लेना है छन्नी से, छन्नी के मदद से।
और अब इसमें दो इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ मैं, उससे ही आपकी स्किन को इतना अच्छा चमक आएगी, आपकी स्किन के ऊपर इतना वाइटनिंग आएगी आप उसे भी। और इसमें मैं एक मैदे का आटा मिलाया है एक स्पून, आप चाहे तो दो स्पून मिला सकते हैं, मैं और एक स्पून मिलाकर आपको दिखा देती हूँ। ये अच्छा सा एक क्रीम सा पेस्ट आएगा आपको अच्छे से स्किन को चमकने के लिए। इसमें मैदे का आटा मिलाया है, मैदे का आटा मिलाने से आपकी फेस के ऊपर रिंकल्स की फाइन लाइंस की आपको इश्यूज नहीं होगी और वो आपके फेस के ऊपर इतना ग्लो और चमक आएगा और वो आपकी स्किन को इतना हाइड्रेट बनाएगा। और ये केमिकल फ्री है, और आप मार्केट वाला लेते हो तो आपको केमिकल कुछ ना कुछ मिलाते हैं, आपकी स्किन को साइड इफेक्ट भी देते हैं। और ये आप खुद बनाने से आपके घर पे आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा और अच्छे से आपकी स्किन ग्लो करने के लिए। और ये आप अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें लेंस नहीं रहना है, आप अच्छे से ऐसे ही मिक्स कर लेना है, मैं जैसे वीडियो में बताती हूँ वैसे ही आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप फिर इसे पेस्ट बनाकर दिखा देती हूँ। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका हम क्रीम बनाते हैं ऐसे ही। आप इसे एक लो फ्लेम में आप इसे अच्छे से हिलाकर इसे पेस्ट बना लेना है फ्रेंड्स, अच्छे से क्रीम बन जाएगी, ये थिक सा हो जाएगी। आप इसे अच्छे से ऐसे ही हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें हिलाते नहीं हो तो आपको इसमें गड्ढा हो जाएगा। देखें फ्रेंड्स, इसे ऐसे ही हिलाते रहना है क्योंकि हमको अच्छे से एक क्रीम बनकर आना है, इसीलिए आप ऐसे ही अच्छे से हिलाते रहना है। देखें, ये इतना अच्छा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा जब जाके आपकी क्रीम बनेगी। देखें, इसे लो फ्लेम में रख लेना है, आप फुल नहीं रखना है। देखें फ्रेंड्स, इतना गाढ़ा हो चुका है, इतना ही आपको पकाना है इसको। अब हाफ कर देंगे हम गैस को। अब ऐसे ही आप इसे पेस्ट बना लेना है, जैसे हम वीडियो में बनाते हैं वैसे ही आप उसे पेस्ट बना लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, काला हो जाएगा वो काला होने से आपको पेस्ट आपकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट देगा। अब ऐसे ही कलर आना है, देखें जैसा हम बताते हैं। देखें फ्रेंड्स, कितनी अच्छी क्रीम बन चुकी है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं, ये आपको ठंडा होना है, मैं वीडियो में आपको बनाकर दिखा देती हूँ, आप उसे हल्का से आप टाइम लेकर आप इसे बनाए, क्योंकि मैं वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगा इसलिए आपको जल्दी बता देती हूँ मैं। देखें, और इसमें और एक इंग्रेडिएंट है नारियल का तेल। देखें, कोकोनट ऑयल में ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी स्किन को हाइड्रेट बनाने के लिए। देखें, नारियल का तेल इतना अच्छा होता है, हमारी स्किन को जो भी प्रॉब्लम है वो दूर करता है, रिंकल्स की फाइन लाइंस की भी प्रॉब्लम दूर करता है और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है और ग्लो करने में मदद करता है हमारी फेस को। आप एक स्पून नारियल का तेल लेना है और दूसरा विटामिन ई कैप्सूल्स लेना है। देखें, आप मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएंगे। आप इसमें नारियल का तेल मिलाया है ना, इसलिए हम एक कैप्सूल्स मिलाते हैं, इससे आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाता है और स्किन को इतना ग्लो करता है, आप स्किन के ऊपर मेलानिन को कम करके स्किन को ग्लो करने में मदद करता है विटामिन ई। आप एक कैप्सूल्स मिलाना है। और आपका फेस ऑयली हो तो आप इसमें हाफ विटामिन ई मिला सकते हैं, हाफ विटामिन ई मिलाने से आपकी स्किन को ऑयल प्रोवाइड नहीं करता है। देखें, इसमें विटामिन ई एक कैप्सूल्स मिलाया है और इसे अच्छे से आप मिक्स कर लेना है। देखें, ये ठंडा हो चुका है, आप इसे अच्छे से ऐसे ही मिक्स कर लेना है। ये एक क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, आप इसे ऐसे ही आपको स्किन को लगाने से आपकी स्किन को अच्छा हाइड्रेट बनाएगा और स्किन को
देखें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ऐसे ही आपको क्रीम बन जाएगा अच्छे सा। और एक कांच का कंटेनर लीजिए या ऐसे ही प्लास्टिक का कंटेनर आप ले सकते हैं, उसमें आप इसे स्टोर करके 1 मंथ तक फ्रिज में रख लेना है। आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो आपकी आपकी क्रीम खराब हो जाएगी। आप 1 मंथ के लिए ये क्रीम अच्छे से आपको चले जाएगी, 1 मंथ के लिए आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। ये इतनी अच्छी क्रीम है, इसमें बीट रूट एंड पोटैटो मिलने से आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाने के लिए इतना अच्छा काम करते हैं। और ये क्रीम आप रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपकी स्किन के प्रॉब्लम को दूर करेगी और वो आप स्किन के ग्लोइंग देगी। और आप जितने भी महंगे क्रीम्स इस्तेमाल करेंगे ना, उससे आपको परमानेंट नहीं बनेगा स्किन का कलर, लेकिन ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करने से आपको परमानेंट रहेगा स्किन का कलर, क्योंकि ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं घर के इंग्रेडिएंट्स है। आप घर के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने से नेचुरल होती है, आप केमिकल नहीं होता है इसमें, केमिकल फ्री है ये। आपकी स्किन को इतना हार्मफुल भी नहीं रहेगा और वो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और जो भी आप क्रीम इस्तेमाल करेंगे ना, उससे आपकी स्किन को इतना साइड इफेक्ट देता है। आप क्रीम लगाते समय आपकी स्किन को वाइटनिंग बनाता है, लेकिन आपका फेस जब तक ग्लो करता है आप जब तक इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा नहीं है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है, इससे आपकी फेस के ऊपर ऐसे ही ग्लो प्रवेट करता है। जैसे आप इस्तेमाल करते समय ग्लो रहता है ना, वैसे ही रहता है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपकी फेस की प्रॉब्लम दूर होगी और एक्ने की प्रॉब्लम दूर होगी, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर होगी और क्रिस्टल क्लियर स्किन बनेगी आपकी। और घर के इंग्रेडिएंट हमें इस्तेमाल करते हैं ना, उससे हमको इतना अच्छा फील होता है कि हम खुद बनाते हैं, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद क्रीम बना के इस्तेमाल करती हूँ ना, जो क्रीम मार्केट वाली मिलती है ना, उससे हमको पता नहीं होता है उसमें कितना मात्रा केमिकल मिलाते हैं, कितने मात्रे इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, उसमें हमको पता नहीं होता। लेकिन इसमें आपकी स्किन को इतना अच्छा ग्लोई देता है। देखें फ्रेंड्स, अब मैं इसे आपको लगा कर भी दिखा देती हूँ। आप इतना सा आप क्रीम लेना है, देखें कितने अच्छा आ जाती है, थिक भी नहीं है और हम मार्केट वाली जैसी ही है। देखें फ्रेंड्स कितनी अच्छी है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। देखें आप इसे इस्तेमाल करते समय आपको चिपचिपाहट भी नहीं फील होगी, ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाएगी इजीली। ऐसा नहीं दिखेगी कि आप इस्तेमाल करते समय जितना पिंक दिखता है वैसा नहीं दिखेगी ये क्रीम। देखें ऐसी ही आप वो अब्सॉर्ब कर लेना है, आप देखें कितना अच्छा है। देखें फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर भी आपको लगा कर दिखा देती हूँ, देखें कितनी अच्छी है, खूबसूरत है क्रीम। देखें आप ऐसे ही आप रोज़ाना इस्तेमाल करने से एक बार को ही आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, इसे 10 डेज इस्तेमाल कीजिए। कोई ना कोई क्रीम हम लगाते हैं उसे 10 डेज या 7 डेज का टाइम देना ही है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें रिजल्ट आने के लिए हमारे। देखें फ्रेंड्स कितना अच्छा इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाती है, जैसे मार्केट वाली क्रीम है ना वैसे ही अब्जॉर्ब हो जाती है। यहाँ पर भी लगाकर दिखा दी हूँ फ्रेंड्स मैं, देखें दोनों में कितना फ़र्क है। थोड़ा सा पिंक रहेगा थोड़ी देर के लिए, फिर आपकी स्किन में अब्जॉर्ब भी हो जाएगा। देखें दोनों में कितना फ़र्क है, कितना अच्छा शाइन देता है दोनों में। देखें ये हाथ, देखें इतना अच्छा है, जैसा आपको कैमरे में दिखता है वैसा ही आपको नज़र आएगा आपकी स्किन में फ़र्क। आप इसे लगाते समय आपको अच्छा प्रवेट अच्छा फील होगा और ये चिपचिपाहट भी नहीं देगा, इजीली अब्जॉर्ब भी हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर। और ये आप लगाते समय कितना अच्छा दिखता है वैसे ही आपको रोज़ाना अच्छे से ग्लो करेगा आपकी स्किन को। और ये जो भी आप क्रीम मार्केट वाली हो कि जितनी भी महंगी क्रीम आप यूज़ करते हो, उसे टाइम देना ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि 10 डेज या 7 डेज आप उसे लगाने के बाद ही आपको रिजल्ट दिखता है। ये भी क्रीम आप इसे
20 डेज या 10 डेज इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको अच्छे से रिजल्ट दिखेंगे। इतनी अच्छी है फ्रेंड्स ये, आप नेक के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों के ऊपर, पैर के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको डार्क है कलर आपका, वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल करेंगे कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होममेड क्रीम है, आपको इजीली किचन में अवेलेबल है। ये इंग्रेडिएंट आपको इजीली मिल जाएंगे, जब चाहे आप बना सकते हैं ये क्रीम होने के बाद। देखें ऐसे ही आप इसे स्टोर कर लीजिए एक कंटेनर में, और इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ फ्रेंड्स। आप मॉर्निंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा क्रीम आप लेकर आपके फेस के ऊपर अच्छे से मसाज कर लीजिए, इसे अब्जॉर्ब होने दीजिए। उसके बाद आप दिन भर में आप इसे 2 घंटों के लिए रख सकते हैं। आप रात में नहीं लगाना चाहते हो तो आप दिन में इसे 2 घंटों के लिए रखने से भी आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। और आप रात में लगाना हो तो आप अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप इसे क्रीम को लगाकर सो जाइए। इसे मॉर्निंग उठने के बाद इतना अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस के ऊपर, यकीन मानिए फ्रेंड्स। इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, और ये आप रोज़ाना इस्तेमाल करते रहने से आपको 10 डेज में रिजल्ट मिलने नज़र आएंगे, और ये पिगमेंटेशन को दूर हटाएगी और रिंकल्स फाइलाइंस को दूर हटाएगी। बार बार मैं क्यों बोलती हूँ, इसमें मेन इंग्रेडिएंट है बीटरूट एंड पोटैटो, ये दोनों मिलेंगे ना हमारी स्किन को इतना अच्छा फ्लॉलेस बनाते हैं, इतना अच्छा हाइड्रेट करते हैं, पिगमेंटेशन एंड रिंकल्स फाइलाइंस को काम अच्छे से करते हैं फ्रेंड्स। ये ज़रूर यकीन करीजिए और आप इस्तेमाल कीजिए, एक बार आपको पसंद आएगा इसको दूर करने की। और मेन वुमेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये क्रीम को, ऑल स्किन टाइप भी है, और जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये क्रीम को, और हाथों पैरों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये रात में लगाने से आपको अच्छे से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे फ्रेंड। ये था पूरा वीडियो, और इसमें इंग्रेडिएंट भी आपको बताया है, आप एक भी मिस नहीं करना है, और इसे अच्छे से यह क्रीम बनाकर आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।